अगर ये बीच में डॉली बाजी का वो बीच में इंतजार भी और फिर कैफे भी लगाना है कि तुम्हें एक घंटे 25 मिनट हमने तुम्हें लेवल दे समझेगा तुम्हारा करके दिखाओ चलो वापस ये 40 मिनट में पहुंचे 3.5 घंटे में हम पहुंचे हैं तकरीबन 5.5 किलोमीटर का ये फासला है 10,000 स्टेप्स हैं और उसका बड़ा मजा है। Зависова краша. Краша е краша.
रेडी राजा Tikla ta preda. Da udra ga. जानी टॉप पहुंच गए साढ़े तीन घंटे में और 1300 केलोरीज ने खर्च किए ऊपर वर्थ इट है, मतलब जो मेहनत लगती है उसकी वर्थ इट है, मतलब मजा आ जाता है। मेरी बात ये है कि मैं जीते की बात है, मैं पहुंच ही ना सकता। बहुत अच्छा है, हमने पहले भी बहुत से ट्रैक किए लेकिन ऐसा ट्रैक हमने नहीं देखा। ये बहुत आप देख सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, बहुत एंजॉय हो रहा है। हम नतिया गली में रंजानी टॉप पर आए हुए, बहुत हार्ड ट्रैक है, हमने बहुत एंजॉय किया और इधर बहुत अच्छा मौसम है। और जी बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत हार्ड ट्रैक है, लेकिन मजा इसकी है कि अब 4 घंटे आप ट्रैकिंग करें तो इसका मजा इधर आ जाता है टॉप पे। इसमें और कोई बात नहीं है, बस बहुत टफ है। यस, बेहतरीन ट्रैक है, एंजॉयमेंट के लिए भी, वेट लूज के लिए भी, वर्जिश के लिए भी। सबसे दरखास्त है कि एक बार जरूर देख ले। नतिया गली में तो और भी बहुत से ट्रक है, जैसा कि मैंने देखे, इसमें मशपूरी हो गया, लाल आजार हो गया, लेकिन मैंने ये मीरानजानी पहली मरतबा देखा है। बहुत बेहतरीन ट्रक है, लोगों को चाहिए कि वहां पर आए, क्योंकि मशपूरी का जो दौरानिया है ना, वो तकरीबन हम 45 मिनट में कवर करते हैं, लेकिन मीरानजानी का तकरीबन हमने 4 घंटे में कवर किया है। बहुत ग्रीनरी है, टॉप बड़ा मजेदार है। तो जितनी भी मेरे दोस्त है, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, जब नतिया गली आ जाए तो ये ट्रक जरूर देख ले। हम नतिया गली आए हैं और नतिया गली में हमने मीरानजानी ट्रैक का, हम उसके टॉप पे खड़े हैं और ये 7 किलोमीटर के फासले पे हैं और हमने 4 घंटे और 2 मिनट में ये ट्रैक कंप्लीट किया है। और हमारे और ग्रुप ने जो है ना, वो 3-3 घंटे में
ये ट्रैक ले लिया है और बहुत खूबसूरत जगह है और हर बंदे को ये कम से कम इसको देखना चाहिए बहुत, और बहुत बेहतरीन मौसम है सर। अस्सलाम वालेकुम, हम मीरनजानी टॉप पे खड़े हैं अभी और ये नथिया गली से तकरीबन 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि ट्रैवलिंग इसकी जो वॉक है इसकी डिफरेंट वेरियंट्स है, कोई 2.5 घंटे में इसको कवर करता है, कोई 3 में 3.5 4 में, वो डिपेंड करता है आपके स्टैमिना पे कितना आप स्टॉप करते हैं। मेन चीज़ें यहाँ पे ये है कि अगर बारिशों के दिन हो तो आपको रेनकोट होना चाहिए, वॉकिंग स्टिक्स बहुत ज़रूरी हैं, वो आपके पास हो उससे बड़ी सहूलत होती है स्पेशली उतराई में। बाकी इट्स अ वंडरफुल प्लेस, मौसम बहुत अच्छा है इसका और हवा है इसकी और बड़ी एम्बियंस बहुत बहुत प्लेजेंट है इसकी। थैंक यू। Ah!